Welcome back to my YouTube channel. This is Ahmed. जनाब अभी ईद का दिन है, सेकंड डे ऑफ ईद. वेल एज यू नो गाइस के सेकंड डे ऑफ ईद हो और लोग आउटिंग पे ना निकलें, ये कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तानी एंजॉय ना करें ईद को. वेल ईद मुबारक आप सभी को. और अभी हम रावलपिंडी के सफ़र में थे, इस्लामाबाद के सफ़र में थे, तो मैंने सोचा यार कि आपके साथ ईद का व्लॉग शेयर किया, जहाँ पे आई थिंक ये आप सभी देख रहे हैं कि पीछे क्या है, मियाँ जी की दाल. अभी तकरीबन 1 बज चुका है और हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया. तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना मियाँ जी की दाल से यार ब्रेकफास्ट किया जाए. तो आपके साथ फूड रिव्यू भी शेयर करेंगे मियाँ जी का, बाकी इंशाल्लाह चलते हैं. वेल मैं काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मियाँ जी की आई थिंक दाल खा के मैं एनर्जेटिक हो जाऊँ दोबारा से. तो फूड रिव्यू देते हैं और सभी को दोबारा ईद मुबारक. चलते हैं. मौसम ज़बरदस्त हुआ पड़ा यार, क्या बात है. आजकल के ईद के दिन में ऐसा मौसम चाहिए. चाय पॉइंट इन्होंने बनाया हो, अरे वाह, क्या क्या डिशेज़ हैं. लेकिन सबसे बेटर जो डिश है ना यहाँ की वो है जी दाल. बेशक यहाँ पे मटन आ जाए या समथिंग कुछ भी आ जाए, लेकिन वो जो है दाल का मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता है ना गाइस. और ये साथ में रोटी है, तो चलो जी हम इनके रेस्टोरेंट का मुआयना नहीं दे रहे, सिर्फ हम दे रहे हैं जो है ना यहाँ की. शेख जान लियाकत खाना खा चुका है अभी. कैसा लगा आपको खाना? रिव्यू दो, 10 out of समथिंग. ये तो फेवरेट है, वन ऑफ योर फेवरेट डिश. रेस्टोरेंट मियाँ रेस्टोरेंट, क्या बात है. ओके हो गया. रेटिंग कितनी देगा दाल? वैसे मुझे इतनी मजे की नहीं लगी थी. 15. अरे वाह, तो आइंस्टाइन को भी काट गया फिर. अरे भाई ऐसा मत कर, मत कर, ऐसा मत कर. एंड वी हैव वन ऑफ द जी पापा लगाया है. पापा कैसी लगी आपको दाल? अच्छी थी. आओ जी आओ, वेलकम. पापा अरे यार वो कह रहे हैं चल पट यहाँ से, हम नहीं तुझे बुलाते हैं. इग्नोर कर रहे हैं, घर वाले मुझे बुलाना ही नहीं चाह रहे. देखें यार ये सीन है आजकल का. लेकिन बहुत मज़े की थी दाल यार. आउट ऑफ 10 समथिंग मैं देना चाहूँगा 8. एक्चुअल जो लास्ट टाइम हमने खाई है ना वो टेस्ट नहीं था, लेकिन बेटर था कह सकते हैं कि क्योंकि भूख फुल लगी थी. नाश्ता भी नहीं आपको पता किया था, उसके लिए आई थिंक 8 मैं दूंगा. अदरवाइज मैं 6 देता अगर मैं फुल होता तो. लेकिन अच्छा है, मियाँ जी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, तो इसलिए हम 8 दे रहे हैं, अदरवाइज हम 6 देते. और हमने खाना भी खाया हुआ था पहले, अभी खाया. दाल थी, रोटी थी और साथ स्प्राइट थी. बोतल नहीं पीता लेकिन फिर भी वो कोई बात नहीं. हमने कहा ईद है यार, ईद को खुल डुल के इंजॉय करो जनाब. मियाँ जी मौसम अच्छा है इसलिए मियाँ जी भी अच्छा लग रहा है. और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेहरबानी आपकी. मेक श्योर लाइक भी कर दीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब लाभ नहीं करना आपने, वरना मैं वो एक होती है ना मोटिवेशन, वो ख़त्म हो जाती है अगर चैनल सब्सक्राइब ना हो. एक्चुअल मैंने कल देखा वो उन्होंने मुझे बताया यार 68% आपके जो व्यूअर्स हैं वो खाली व्यू करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते. इलेक्शन में खड़ा कर. बाकी सफाई के मामले में कुछ खास नहीं था, ये अच्छा है. लेकिन चलते हैं हम ज़्यादा फूड रिव्यू नहीं देने वाले, एक्चुअली व्लॉग बना रहे हैं बस. ठीक है अब आगे चलते हैं पिंडी की तरफ. ये देखें आप, सीन चेक करें. भाई हम कहाँ पे हैं अभी इस टाइम? हम अभी हैं पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सीन है. मुझे ये पता, मैं कह रहा हूँ मेरा भी बन जाए थोड़ी सी वीडियो, मेरी शायद. आप अपना खुद ही बनाए ना. अच्छा भाई अगर आपको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, वहाँ पे आपके खड़े होकर तस्वीर खींची जाए, वहाँ पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे. हाँ आप तो जैसे केटू की पहाड़ी पे चढ़ गए ना, रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे. दुनिया की सुनता है क्यों तो जनाब अभी हम आ चुके हैं रावलपिंडी में और यहाँ पे बहुत ही यार रश है। मैं कह रहा हूँ सेकंड डे ऑफ ईद खुल डुल के मनाई जा रही है। आई डोंट नो हाउ, लेकिन खुल डुल के मनाई जा रही है। जैसा कि हम गुजरांवाला से पिंडी आ सकते हैं तो यहाँ के लोग यार जमदम के नाम मनाएं, हाउ इट इज़ पॉसिबल। एनीवे गाइस, अभी हम आए हैं, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे बाग-ए-ज़ैतून में। तकरीबन 10 बज चुके हैं तो अभी हम बाग-ए-ज़ैतून में आए हैं। बाग-ए-ज़ैतून में देखते हैं यार खाने के लिए क्या है। बहुत ही अमेजिंग सा आई थिंक यहाँ का खाना है। ये मरी रोड के ऊपर है तो यहाँ टेस्ट करते हैं। जी अभी हो चुका है, क्या टाइम हुआ है सर? तकरीबन 2 बज चुके हैं तो हम अभी पिंडी की सड़कों पे हैं और हमारे साथ एक खसूसी बंदा कह सकते हैं आप, शेख उमर साहब। इनके आज जाने के इनसे भाई पिंडी के वाले से, तो उमर भाई आपने आज पिंडी के वाले से बताना है जो इनकी स्पेशल चीज़ है आपकी यहाँ पे, बेशक वो खाने के हो खेलने के या समथिंग कुछ भी आप कह सकते हैं। यार पिंडी सभी स्पेशल है। हाँ एक्चुअली मैं ये समझता हूँ पिंडी के बंदे स्पेशल हैं, चीज़ें बाद में भाई ये मेन चीज़ है, ऐसे ही है। हाँ मरी रोड है। अभी तकरीबन सेकंड डे ऑफ ईद है तो सुकून हो गया है। हाँ अभी काफ़ी सुकून है। एक्चुअली उमर भाई अभी आए हैं ना कुछ ही देर पहले, तब तो भाई फुल यहाँ रश पड़ा था, गाड़ियों का लाइन लगी थी। अभी सुकून है। अरे लोगों को फिर भी सुकून नहीं है रोड पे भाई सुकून है। चलें, लेकिन यार उमर भाई मैं आपको एक बात बताऊं, पिंडी में जो मैंने चीज़ देखी है, इन्वायरमेंट लाहौर का मैंने देखा है या पिंडी का जो बिल्कुल क्लीन है। अच्छा हाँ ऐसा ही है। बाकी शहरों की निस्बत, गुजरांवाला या अदर सिटी की निस्बत मैं ये 2 चीज़ें देखता हूँ कि क्लीनिंग के लिहाज से लाहौर और भाई पिंडी ज़बरदस्त है। जहाँ शहर है ना यार दरअसल, ये बिल्कुल यही कह पिंडी, इस वजह से इसका भी खास ख्याल रखा। बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामाबाद चले जाओ तो और अच्छा है माशाल्लाह यार, वो देखो तो। अच्छा काफ़ी कन्फ्यूजन है उमर भाई, क्या वैसे आपने चूज़ किया है? मेरा कैमरा बहुत स्लो है। फिर मैं अभी आपको बताऊँ, मैंने अभी ब्राउनी विद आइसक्रीम खाई है। हाँ अच्छा ये है। टेस्ट करने के बाद ना आप, अच्छा उन्होंने ये आई थिंक वो लगाया प्रोमिनेंट करके, उनकी शायद मेन यही है। यही है ऐसे ही है ना, सेम ही हो। हाँ चले ट्राई करते हैं इसका टेस्ट। है 10 आउट ऑफ समथिंग भाई आपसे लेके देंगे, आपने पहले टेस्ट किया फिर भी हम आप ही से लेके देंगे। ये आ चुकी है ब्राउनी अभी। अच्छा ये क्या है उमर भाई? ब्राउनी विद आइसक्रीम। अरे वाह क्या बात है। चले टेस्ट कीजिए, आप बताइए भाई, आप टेस्ट करें ना, आप बिस्मिल्लाह करेंगे। ओके 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 आप बताएंगे। मैं तो किया टेस्ट पहले भी, लेकिन अब आपकी। ओके लें जनाब, यार जबरदस्त है ये। मैं कहता हूँ संडे कैंसिल करें, यही बेटर है। ये लो ना फिर, मैं ये लेता हूँ, आप टेस्ट करके आप 2 पीस और कर, ये 2 और कर दे, 2 और ले ब्राउनी विद आइसक्रीम जो है ना वनीला में ले, वनीला में चॉकलेट, ये वनीला ऊपर। ओके उमर भाई की कोटिंग किस चीज की आपने? चॉकलेट की, चॉकलेट सॉस। ठीक है जनाब यही आप कर दें। आपने वनीला खानी है ना? नहीं अगर संडे खानी है तो आइसक्रीम वनीला होगी, ये ऊपर चॉकलेट सॉस होगी, ये वनीला नीचे आइसक्रीम है, सिर्फ कोटिंग की है उन्होंने। अगर फज की कोटिंग हो सकती है इस पे, यही चॉकलेट सॉस है ना। ठीक है जनाब, ओके जनाब, ओके ठीक है ठीक।